स्टार्ट होने वाला है नया सब्जेक्ट एंड दैट इज हाँ बोले टैक्सेशन। इसको हम लोग टैक्स लॉज के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? लॉ केवल अकेले लॉ नहीं बनाता। अगर मैं बोलूं कि हमें केवल एक्ट पढ़ना है, कानून पढ़ना है, अकेले एक्ट आपका कानून नहीं बनाएगा, लॉ नहीं बनाएगा। रूल्स पढ़ने हैं, अकेले रूल्स आपका कानून यानी कि लॉ नहीं बनाते। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस पढ़ने हैं, अकेले सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस आपके लॉ नहीं फ्रेम करते। इन सारी चीज़ों को जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं लॉ। तो टैक्स लॉ की अगर बात करें तो हमें एक्ट भी पढ़ना है, रूल्स भी पढ़ने हैं, सर्कुलर्स भी पढ़ने हैं, नोटिफिकेशंस भी देखने हैं, डिसीजंस भी देखने हैं। सारी चीज़ें मिला करके जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे? टैक्स लॉज। ठीक है ना? अब टैक्स लॉज की अगर बात करें, जैसे फादर इन लॉ होता है, मदर इन लॉ होता है, वो होता है ना कानूनी पिता, कानूनी माँ, है ना? हिंदी में कहो तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इस तरह से टैक्स लॉ भी होता है। क्या होता है बोलो भाई? दो तरह के टैक्सेशन सिस्टम होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के टैक्सेशन सिस्टम होते हैं। पहले को कहा जाता है डायरेक्ट और सेकंड को कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। फर्स्ट को कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स और सेकंड को कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। दो तरह के टैक्सेशन सिस्टम एप्लीकेबल हैं। क्यों हैं दो तरह के टैक्सेशन सिस्टम और जरूरत क्या है टैक्स लगाने की? बिना टैक्स के तो हम लोग बहुत सुखी रह सकते हैं। गवर्नमेंट टैक्स हटा दे, गवर्नमेंट क्या करे? हटा दे, माल खरीदो बेचो कोई टैक्स नहीं, गाड़ी एक शहर से दूसरे शहर में ले जाओ कोई टोल टैक्स नहीं, बोलो आप जितना कमाते हो कोई इनकम टैक्स नहीं, पिक्चर देखने जाते हो कोई एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं, रोड पर चलते हो कोई रोड टैक्स नहीं, घर पे रहते हो कोई हाउस टैक्स नहीं, पानी पीते हो कोई वाटर टैक्स नहीं। बताओ कितनी सुखी जिंदगी होगी उस समय हम लोगों की। न चलने के लिए रोड मिलेंगी, न पीने के लिए साफ पानी मिलेगा। क्यों? पक्की बात है ना? और कौन सा नाम गिनाया? एंटरटेनमेंट। तब आपको मल्टीप्लेक्स वगैरह नहीं मिलेंगे, फुटपाथ पर कहीं टीवी लगाकर देखनी पड़ेगी। क्यों? और बोले मतलब ये सारे बेनिफिट्स छीन लिए जाएंगे। रोड पर चल रहे हैं रोड टैक्स, रोड नहीं मिलेंगे। ब्रिज पर चल रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, हाईवे पर चलने का शौक है, टोल टैक्स तो देना पड़ेगा बेटा। ठीक है ना? कहने का मतलब ये है गवर्नमेंट हमारी क्या होती है, जिस तरह हमारे घर में एक कमाऊ पूत होता है, सारे घर वाले उसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, कमाने वाला कोई एक, खाने वाले छह, सारे लोग उसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। पापा पापा 5 रुपए देना, मम्मी मम्मी 50 रुपए देना, क्या है ये? उसके ऊपर डिपेंडेंसी है। उसी तरह हम लोग के माई बाप कौन है पूरे हिंदुस्तान के? हमारी सरकार, हमारी सरकार। ठीक है ना? वो हमारे क्या हैं? माई बाप हैं। कमाने के लिए उनको कुछ चाहिए तो हम लोग मांग तो रहे हैं उनसे कि हमको सही सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, घर चाहिए, हर चीज़ चाहिए। वो कहाँ से देंगे? ऐसा तो है नहीं, नोट छापने वाली मशीन है प्रिंट किया लो बेटा, नोट छापने वाली मशीन है प्रिंट किया लो बेटा, है उनके पास नोट छापने वाली मशीन? ऐसा नहीं है कि नहीं है, नोट छापने वाली मशीन है, कहते हैं ना नोट छापने वाली मशीन लगा रखे हो, है उनके पास, वो जितना चाहे नोट छाप सकते हैं, लेकिन वो वर्ल्ड रूल्स के क्या होगा? खिलाफ होगा। जो हमारे स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं कि जितना पैसा चाहो छाप लो ना, उसके पीछे गारंटी रखनी पड़ती है, सिक्योरिटी रखनी पड़ती है गोल्ड वगैरह की, उसके बिना आरबीआई आपको पैसा नहीं दे सकता, प्रिंट नहीं कर सकता, नोट छाप नहीं सकता। तो ऐसे पैसे भी नहीं छपने वाले, तो क्या करे गवर्नमेंट?
आपसे टैक्स लेती है। गवर्नमेंट क्या करती है, आपको सुविधा देने के लिए, फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आपके ऊपर क्या चार्ज करती है, टैक्स चार्ज करती है। अब ये टैक्स जो गवर्नमेंट चार्ज करती है वो दो तरह के होते हैं। क्या पहले कभी टैक्स लगता था, 200 300 400 साल पहले क्या होता था, लगता था। क्या था, लगता था। भूमि लगान तुम लोगों ने सुना होगा, लैंड रेवेन्यू, उस समय भी सरकार, राजा महाराजाओं के समय भी टैक्स लगाते थे और टैक्स लगा करके अपनी प्रजा को क्या करते थे, फैसिलिटेट करते थे। वही हाल आज भी है, लेकिन आज मॉडर्न एज है, दो तरह के टैक्सेशन सिस्टम है। पहले को हम नाम देंगे डायरेक्ट टैक्स और दूसरे को नाम देंगे इनडायरेक्ट टैक्स, यानी गवर्नमेंट को डिफरेंट डिफरेंट रेवेन्यूज चाहिए। डायरेक्ट टैक्स इन टोटालिटी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम आती है डायरेक्ट टैक्स से और खर्चा ज़्यादा होता है। यानी इन टोटालिटी अगर देखा जाए तो रेवेन्यू गवर्नमेंट की इससे, दो मिनट के लिए मान लेते हैं, 10% के नियर अबाउट है और यहाँ से कितनी है। लेकिन अगर एक्सपेंडिचर या कलेक्शन की बात करें तो इस पे जो एक्सपेंडिचर आ जाते हैं वो 12% आते हैं, इस पे भी 15%। दो मिनट के लिए सपोज करते हैं, एक्चुअल फिगर नहीं है ये, कुछ ऐसा ही रोल हुआ, कलेक्शन 10%, एक्सपेंसेस 12%, कलेक्शन 90%, एक्सपेंसेस 15%। बताओ ना बेनिफिट किस में है गवर्नमेंट को, डायरेक्ट टैक्स में या इनडायरेक्ट टैक्स में। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये भाई क्या कर रही है, हटा दिया जाए नहीं नहीं हटा दे इस टैक्स को, क्यों भाई। कुछ साल पहले एक मंत्री जी ने भी कहा था, मिनिस्टर साहब ने, कि जब कुछ ऐसा ही रोल है, न्यूज़पेपर में भी आया था, तो डायरेक्ट टैक्स को हटा देना चाहिए, इनकम टैक्स नाम की चीज़ को हटा देना चाहिए। उन्होंने इसको क्या किया था, सपोर्ट किया था। बताओ तुम लोग हटाना चाहिए या नहीं, क्यों नहीं, बोलो। मैं बताऊं, घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसको सड़क पे छोड़ दिया जाता है या ट्रीटमेंट करवाया जाता है। अच्छा, ट्रीटमेंट करवाया जाता है, अच्छा ये भी बात सही है। आपको दिल्ली जाना है, कानपुर से दिल्ली की ओर क्या करना है, कूच करना है, ठीक है ना। अब कानपुर से दिल्ली जाएंगे, ट्रेन की टिकट ली, ट्रेन में बैठे, सन्नाटा, कोई ट्रेन में नहीं था, अकेले ट्रेन में बैठे थे, पूरा कोच हमारे नाम से था, पूरा कोच किसके नाम से था, हमारे नाम से था। टीटी आया का बेटा उतर, ये ले अपना पैसा, दूसरी ट्रेन का इंतजार कर या बस से चला जा, ना मिले तो दौड़ते हुए चला जा। क्या ये पॉसिबल है, क्या हमको अकेले ट्रेन ले करके जाएगी दिल्ली, हमको अकेले ले जाएगी दिल्ली। हाँ बिल्कुल सही है। देखो ना, करोड़ों रुपए की ट्रेन, तुम्हारे ऊपर डीजल ही लाख रुपए का लग जाएगा और गवर्नमेंट को अर्निंग होगी 1000 रुपए। क्या ट्रेन को बंद करने चला ना, नहीं नहीं ट्रेन को बंद करने चला ना, तुम तो करो नहीं। हर चीज का एक सिस्टम है, एक ऑब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट यहां पर भी है। डायरेक्ट टैक्स का कुछ अलग और इनडायरेक्ट टैक्स का कुछ अलग। तुम लोगों ने नाम सुना होगा कैपिटलिज्म इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सुना होगा सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक सुना होगा मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, सुना है ना। यहां पर भी ऑब्जेक्ट कुछ इसी तरह का है। किस तरह का है, इसी तरह का है। डायरेक्ट टैक्स का मेन ऑब्जेक्ट है, इसको बनाने के पीछे गवर्नमेंट आपको पोलियो की ड्रॉप क्यों पिलाती है भाई, फ्री में क्यों पिलाएगी, क्यों पिलाती है गवर्नमेंट, ताकि हमारे लोग क्या रह सके, हेल्दी रह सके, कोई पोलियो से बीमार ना हो जाए।
क्यों पिलाती है दवा, क्यों टीके और इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, क्यों आपको गवर्नमेंट कॉलेज में 1 या 2 रुपए की फीस पर पढ़ाया जाता है, क्यों गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 1 रुपए या 2 रुपए पर ट्रीटमेंट हो जाता है, दवाएं 1 रुपए या 2 रुपए की आएगी, क्या कॉलेज में टीचर 1 रुपए पर पढ़ाएगा आपको, उनको तो अच्छा खासा अमाउंट चाहिए, डॉक्टर्स को अच्छा खासा अमाउंट चाहिए, वो गवर्नमेंट अपनी जेब से देती है, कहाँ से कलेक्ट करती है, इन्हीं टैक्सेशन से, आपको फैसिलिटी दूसरी तरह से प्रोवाइड कर रही है, इसका पर्पस कुछ और है, अमीर और अमीर ना हो, गरीब और गरीब ना हो, अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस है उसको दूर करने के काम आता है डायरेक्ट टैक्स, अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस है उसको दूर करने के काम आता है डायरेक्ट टैक्स, इसीलिए इसका ऑब्जेक्ट है सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट, क्या नाम है इसका, पर्पस क्या है, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट। ये हिंदुस्तान के अरबपति लोगों का नाम है जो इतना कमाते हैं, उससे कम कमाने वाले भी हैं, उससे और कम कमाने वाले भी हैं, ये हम लोगों ने एक चार्ट बनाया लोगों की कमाई के हिसाब से, कमाने वाले लोगों की ये डिटेल, हम लोग अभी भी कहीं नहीं है, मान लेते हम लोग कहीं यहाँ पर है, ठीक। अब इतना और इतना डिफरेंस अच्छी बात नहीं है किसी भी सोसाइटी के लिए, है क्या अच्छी बात? तो गवर्नमेंट ने कहा इन सबसे जब हम टैक्स वसूलेंगे तो 2 मिनट के लिए मान लो हमने इतना रुपया टैक्स से निकाल लिया, कुछ हिस्से कुछ हिस्से कुछ हिस्से, मतलब इन टोटालिटी इतना रुपया मैंने टैक्स के नाम पर निकाल लिया, और ये टैक्स के नाम पर जो पैसा निकाला है हम इस जगह को भरने के काम करेंगे। मेरी बात समझ में आई? रॉबिनहुड, अमीरों से छीनो और गरीबों में बांटो, लेकिन हम लोग की सरकार कुछ आधा रॉबिनहुड होती है, हाफ रॉबिनहुड, छीन तो लेती है लेकिन देती नहीं है, नहीं तो कुछ यही हाल यहाँ पर भी है, इनसे छीनो और इनको दो, जो ये डिफरेंस है वो क्या हो, दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर पर्पस ये है तो अब बताओ क्या डायरेक्ट टैक्स के सिस्टम को हम लोग को बंद कर देना चाहिए? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जो जितना अमीर होगा उससे उतना ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, ये आपका रिचार्ज कूपन नहीं है कि जो जितना ज्यादा रिचार्ज करवाएगा उसको टॉक टाइम उतना ही मिलेगा, ये हिसाब किताब वो नहीं है। यहां पर जितना ज्यादा आप कमाओगे उतना ज्यादा क्या करोगे, टैक्स दोगे, जितना कम कमाओगे उतना कम टैक्स लगेगा। क्लियर है? बोलो भाई, समझ में आई बात? सर इन टैक्सेशन में कौन कौन से टैक्स शामिल होते हैं? इसमें पहला टैक्स होगा इनकम टैक्स और सेकंड है वेल्थ टैक्स, एक और टैक्स होता था गिफ्ट टैक्स, कौन सा टैक्स, उसके सारे प्रोविजंस आज इनकम टैक्स में ही शामिल कर दिए गए हैं, मतलब सारे प्रोविजन शामिल करने का मतलब वहां से उठा करके अमेंडमेंट कर दिया गया इनकम टैक्स में। अब आपका समझ लीजिए गिफ्ट टैक्स किस में शामिल हो चुका है, इनकम टैक्स में। क्लियर है? जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो 2 तरह का होता है, इनडायरेक्ट टैक्स प्रोडक्ट, अभी लिखना मत, प्रोडक्ट पर चार्ज किया जाता है या फिर सर्विसेज पर चार्ज किया जाता है। तो सर आप हमें एक बात बताइए, जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है वो किस पर चार्ज किया जाता है? ये हमेशा पर्संस पर चार्ज किया जाता है, डायरेक्ट टैक्स हमेशा पर्सन पे चार्ज किया जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा प्रोडक्ट या सर्विसेज पर चार्ज किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स पर्सन पे चार्ज किया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पर चार्ज किया जाता है। क्लियर है? अगर आप वैट की बात करें, सेल्स टैक्स की बात करें, किसकी बात करें, तो किस पर चार्ज किया जाता है, वो प्रोडक्ट पर। किस पर? इस पेन पर सेल टैक्स मैंने दिया, प्रोडक्ट पर चार्ज हुआ। आप बोले एक्साइज ड्यूटी किस पर चार्ज किया जाता है,
मैन्युफैक्चरिंग पर, किस पर? मैन्युफैक्चरिंग पर। वैट या सेल्स टैक्स ऑन सेल्स, एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, क्लियर है? देखें ना, प्रोडक्ट पर चार्ज किया गया है। सामान खरीदोगे बेचोगे सेल्स टैक्स चार्ज करोगे, सामान मैन्युफैक्चर करोगे एक्साइज ड्यूटी चार्ज होगी, सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करोगे कस्टम ड्यूटी चार्ज होगी। सामान प्रोडक्ट, सर्विस टैक्स सर्विसेज पर चार्ज किया जाता है। किस पर चार्ज किया जाता है? बस इन टोटालिटी ये टैक्सेशन सिस्टम है हमारे हिंदुस्तान का। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, दे आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। द फर्स्ट वन इज योर डायरेक्ट टैक्स, जिसको हम प्रत्यक्ष कर भी बोलते हैं, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम अप्रत्यक्ष कर भी बोलते हैं। सर, व्हाई द नेम इज चेंज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाई द नेम इज गिवन इनडायरेक्ट टैक्स? क्यों हम लोगों ने ऐसा नाम दिया है डायरेक्ट, और क्यों हम लोगों ने नाम दिया इनडायरेक्ट? बोलते ना सर टैक्स, क्या जरूरत है? डायरेक्ट टैक्स जो होता है, जिस पर चार्ज किया जाता है उसको अपनी जेब से पेमेंट करना पड़ता है। अगर मैंने तुम पे डायरेक्ट टैक्स चार्ज किया तो तुम अपनी जेब से पेमेंट करोगी। तुमसे अगर मैंने कोई डायरेक्ट टैक्स यानी गिफ्ट टैक्स, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स चार्ज किया तो तुमको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो सर क्या वेल्थ टैक्स एक्साइज ड्यूटी दूसरे की जेब से निकाल करके देते हैं? एक आदमी गया, रास्ते से जा रहा था, तो एक बंदा था वहीं पर अपने आप को खूब झापड़ मार रहा था। दूसरा गया उसको, करे क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? करे क्या कर रहा हूँ? करे अपने को क्यों झापड़ मार रहे हो? लगा उसको मारने। वही बात है, अगर ये पर्सन पर चार्ज किया जाता है, जिस पर चार्ज किया जाता है उसी से वसूला जाता है, तो क्या इस पर जिस पर चार्ज किया जाता है दूसरे से वसूला जाता है? कहोगे हाँ। यहाँ पर बिल्कुल ये बात सही बैठती है कि जिस बंदे पर चार्ज किया जाएगा उससे नहीं वसूला किया जाएगा, बल्कि वसूला किसी दूसरे से जाएगा। अल्टीमेट जो बर्डन होगा टैक्स का, वो बंदा बर्दाश्त करेगा जो एक्चुअल में उस प्रोडक्ट या सर्विसेज का कंज्यूमर होगा, अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज विल बॉर्न द अमाउंट ऑफ टैक्स। एक्चुअली दे आर द बियरर ऑफ द टैक्स, बट हेयर ऑन होम द टैक्स इज चार्ज इज द बियरर ऑफ दोज टैक्स। आपने कमाया, आपने जेब में 1,00,000 रुपए कमा कर रखे, अब उस 1,00,000 रुपए में मैंने कहा 10% टैक्स, तो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। द बर्डन ऑफ द टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इट द अमाउंट ऑफ टैक्स विल बॉर्न बाय दैट पर्सन ऑन होम इट हैज बीन चार्ज्ड और लेविड। जिस पर यह प्रभारित किया जाता है, चार्ज किया जाता है, उसी से यह अमाउंट कलेक्ट भी किया जाता है। क्लियर हुआ? इसीलिए इसको कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट आपको हिट करेगा। अब बात करते हैं सर्विस टैक्स की, इनडायरेक्ट टैक्स की। बात करते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स की। आप लोग यहां पढ़ने आए, आप यहां आए किस लिए? अभी मत कहना आपने बुलाया इसलिए। तो हुआ क्या, आप यहां आए पढ़ने के लिए, मैंने आपसे फीस ली, और जब मैंने फीस ली तो मैंने आपको रसीद कुछ इस तरह की दी। सपोज करते, मैं एक्चुअल टैक्स रेट नहीं बताने वाला यहाँ पर, ये आपकी फीस का अमाउंट है और ये सर्विस टैक्स का अमाउंट है। मैंने आपसे टोटल कितना चार्ज किया? 12,000। अगर सर्विस टैक्स नहीं होता तो मैं आपसे कितना चार्ज करता? अच्छा, सरकार को 2,000 पे कौन करेगा? मैं। सरकार को 2,000 पे कौन करेगा? मैं। आई विल पे द अमाउंट ऑफ ₹2,000, बट दिस इज नॉट दैट अमाउंट विच इज टू बी बॉर्न बाय आउट ऑफ माई पॉकेट। मैं अपनी जेब से कुछ नहीं बर्दाश्त कर रहा, मैं तो तुमसे केवल ले रहा हूं और सरकार को दे रहा हूं।
मैंने तुमसे 12,000 रुपये लिए, 2,000 तुम ही से लिए और मैंने सरकार को दिए, 2,000 बर्दाश्त किसने किया? मैंने नहीं, तुम लोगों ने। 2,000 किसने बर्दाश्त किया? तुम लोगों ने। ये है इनडायरेक्ट टैक्स। पैसा मैं दे रहा हूं, बट आई एम नॉट द बियरर। मैं इधर से ले रहा हूं, इधर से दे रहा हूं। आई एम जस्ट वर्किंग एज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। इस पैसे को मैं अपने पास नहीं रख सकता। अगर मैंने इनडायरेक्ट टैक्स का कोई रुपया वसूला है, कोई अमाउंट कलेक्शन किया है मार्केट से इनडायरेक्ट टैक्स का, और सोच लूं सरकार को क्या पता चलेगा, जेब में ही रहेगा, किसी को बताने की जरूरत, बेटा जब पकड़े जाओगे ना, अच्छी खासी पनिशमेंट भी है। आप इनडायरेक्ट टैक्स किसी से ऐसे वसूल नहीं सकते। अगर वसूला है तब तो देना ही देना है, इसमें कोई बट इफ नहीं है। क्लियर है? फिलहाल वो बात की बातें, जब हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे हर एक चीज की। समझ में आया सिस्टम? देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स इज चार्ज ऑन पर्सन, व्हाइल द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टू बी चार्ज ऑन प्रोडक्ट और सर्विसेज। एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज आर वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स, व्हाइल द एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एक्साइज, कस्टम, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट। क्लियर? डायरेक्ट टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, द अमाउंट विल बी बॉर्न बाय द सेम पर्सन ऑन हुम इट हैज बीन इम्पोज्ड। While in case of indirect tax, the amount of tax can be shifted from one person to another, another to third one person, until or unless the product or services are actually consumed by the ultimate consumer. Clear है? अब तो कोई doubt नहीं रहेगा, हटा सकते हैं इसको। सर हम लोग आज से क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? नहीं, आज से कुछ तो स्टार्ट करने जा रहे हो, ये तो केवल बेस था तुम लोग को ये बताने के लिए कि व्हाट आर टैक्सेस, टैक्सेस होते क्या हैं, केवल वो जानने के लिए। हम लोग स्टार्ट करेंगे। इनकम टैक्स क्या स्टार्ट करेंगे? डीटी, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। फर्स्ट टाइम इंडिया में इनकम टैक्स 1860 में आया था। मैंने अपने असाइनमेंट्स की फर्स्ट लाइन में ही ये लिख रखा है, फर्स्ट टाइम ये टैक्स इंडिया में 1860 में आया था। देखें लिखा है, इन इंडिया इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1860, और उसके बाद जो टैक्सेशन सिस्टम बना वो बना इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स बेसिकली इनकम पर चार्ज किया जाता है। किस पर चार्ज किया जाता है? जो बंदा जितना ज्यादा कमाएगा वो उतना ज्यादा इनकम टैक्स देगा। जो बंदा, जो पर्सन, 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 हाँ, बंदा नहीं, इंडिविजुअल नहीं, कोई भी पर्सन जितना ज्यादा कमाएगा उतना ज्यादा टैक्स देगा। और एक चीज तो दिमाग में बिल्कुल बैठा लो, क्या कर लो, बैठा लो, खड़े मत रखना, बैठा लेना। कोई भी चीज, ढंग से सुनना मेरी बात, तुम इंडियन हो और ये अफ्रीकन है, अरे वो गोरा है और ये अफ्रीकन है, बताओ ये इंडियन, वो गोरा, ये अफ्रीकन, मैं बोल तो नहीं सकता अब गोरे के बाद ये इंडियन है, तुम कुछ कमाते हो तो इंडिया में टैक्स दोगे? तुम गोरे हो, मींस अंग्रेज हो, क्या टैक्स दोगे इंडिया में? हाँ,
कि मोदी साहब चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे टैक्स दे और तुम टैक्स दे दोगे। हाँ बोलो, ये साउथ अफ्रीकन है, बताओ क्या ये टैक्स देगा हिंदुस्तान में? दिमाग से ये बात निकाल दो, बस यही चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता इंडियन हो या नॉन इंडियन हो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई इंडियन होगा तो टैक्स देगा, इंडियन नहीं होगा तो टैक्स नहीं देगा। इनकम टैक्स एक्ट किसी सिटीजनशिप बेसिस पर चार्ज नहीं किया जा सकता, आपकी नागरिकता के बेसिस पर चार्ज नहीं होता। आप इंडियन हो तो आप टैक्स दोगे, आप इंडियन नहीं हो तो टैक्स नहीं दोगे। सारे विदेशी आकर के यहाँ बिजनेस करेंगे और ठेंगा दिखा करके चले जाएंगे, बेस्ट ऑफ लक करते रहना, फिर दांत दिखाते रहना। वो आएंगे हिंदुस्तान से पैसा लेकर चले भी जाएंगे और बिना टैक्स दिए चले जाएंगे। नहीं कर सकते ऐसा, क्या करना पड़ेगा? सिटीजनशिप के बेसिस पर कभी टैक्स चार्ज नहीं होगा। इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स कभी भी सिटीजनशिप के बेसिस पर चार्ज नहीं होता। ये किस बेसिस पर चार्ज होता है? ये किसी भी बंदा, पर्सन की रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता है। ये किसी भी पर्सन की रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता है कि उसको हिंदुस्तान में टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो इंडियन ना हो। मेरी बात फिर से सुनो, इनकम टैक्स कभी भी किसी की सिटीजनशिप के बेसिस पर चार्ज नहीं किया जाता। किस बेसिस पर चार्ज किया जाता है? उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस पर, निवासीय स्थिति के बेसिस पर। इनकम टैक्स कभी भी किसी भी बंदे की उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता है। चार्ज करने का तरीका उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करेगा, न कि उसकी सिटीजनशिप बेसिस पर। तो दिमाग से ये निकाल देना कि हम गोरे हैं और वो काला है, और ये इंडियन है तो ये नॉन इंडियन है ना, भूल जाओ। आपने कितना कमाया, कहाँ कितने दिन रहे पिछले साल, ये मायने रखता है आपके टैक्स देने पर। क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत? टैक्स चार्ज किस पर होता है, किस अमाउंट पर? एक चीज ये क्लियर हुई ना कि इनकम टैक्स इज नॉट टू बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ एनी पर्सन, नॉट चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन। गलत बोला क्या मैंने? क्या सही क्या है? चार्ज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, नॉट चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ एनी पर्सन। किसी भी बंदे की, किसी भी पर्सन की सिटीजनशिप के बेसिस पर इनकम टैक्स चार्ज नहीं होता, बल्कि चार्ज होता है किस बेसिस पर? उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर। देखा जाएगा सेक्शन 6 में, हम लोग देखेंगे। दिमाग में बात बैठा ली? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स। और एक गलती जो तुम लोग बार बार करोगे, क्या करोगे? लगातार करोगे। मैं बार बार तुम लोग को बोलूंगा और ये गलती बार बार होगी। बोलूं? हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, दिमाग में ये बात बैठा लेना। सर इसमें तो कोई नई बात बताई नहीं आपने, अकाउंट नहीं पढ़ रहे, ये बात नहीं है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे, लॉ नहीं पढ़ रहे, कंपनी लॉ नहीं पढ़ रहे। हम क्या पढ़ रहे हैं? टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं। कंपनी लॉ नहीं पढ़ रहे, इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे? अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे। अगर कोई ट्रीटमेंट हो तो सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? नहीं पढ़ रहे हम लोग अकाउंट्स। इसका अकाउंट से, जर्नल एंट्री से, डेबिट और क्रेडिट से दूर दूर तक का भी कोई रिश्ता नाता नहीं है। क्या? फिर से बोलो। इनकम टैक्स का जर्नल एंट्री से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब क्लियर है? मैं फिर बोलूँगा आगे और तुम लोग फिर गलती करोगे। मैं तुम लोगों से जर्नल एंट्री पूछूंगा और तुम लोग तपाक से जवाब दोगे, और मैं फिर तुम लोग को याद दिलाऊंगा। देखो पहली क्लास में मैंने तुम लोग को बताया था कि इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं बल्कि अकाउंट नहीं पढ़ रहे, और इसका जर्नल एंट्री से कोई लेना देना, और तुम लोग आगे गलती करोगे? नहीं करोगे? नहीं करोगे? करवा कर रहेंगे, ठीक है? आगे भूलने में कितना टाइम लगता है? क्लास खत्म, भूल गए?
स्टार्ट कर सकते हैं। बोलो भाई, हम लोग को जो चीज़ें पढ़नी हैं इनकम टैक्स या टैक्स लॉ में, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस एंड केस लॉज या जुडिशियल डिसीजंस, ये सारी चीज़ें मिला करके हमको अपना लॉ पढ़ना है, टैक्स लॉ पढ़ना है। सारी चीज़ें मिला करके हम कभी इसकी बात करेंगे, कभी इसकी बात करेंगे, कभी इसकी बात करेंगे, कभी इसकी बात करेंगे। जो हमारा एक्ट बनता है, कानून, वो ये बोलता है ये प्रोविज़न है, ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है, ये काम आपको नहीं करना है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ये बताता है हमें प्रोविजंस, इनकम टैक्स एक्ट बताएगा। रूल्स हमें बताता है काम करना कैसे है, काम करना कैसे, नियम बताता है। और अगर कोई वैग मैनर में है, कोई क्लैरिटी नहीं है दोनों में, कुछ बोला लेकिन वो पता नहीं चल रहा है कि क्या बोला, सिमसिम बोला, बोला सिमसिम बोला, बोलो भाई, तो उस समय सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस आते हैं। क्या आते हैं? साल के बीच में अगर हमें कोई प्रोविजन लाना हो, साल के बीच में, तो सरकार किस तरीके से लाएगी? गाइडलाइन देनी हो ऑफिसर्स को, इनकम टैक्स ऑफिसर्स को, क्लियर है? और केस लॉज, जब एक्ट में कोई चीज़ डिफाइन नहीं होती, कोई चीज़ क्लियर कट नहीं होती, तो उसके लिए केस लड़े जाते हैं। तुम इनकम टैक्स ऑफिसर, मैं एसएससी हूँ, तुम इनकम टैक्स ऑफिसर हो, तुमने कहा ये होगा, मैंने कहा ये नहीं ये होगा, तुमने कहा किताब दिखाओ, मैंने कहा ये लिखा है, तुमने कहा ये भी तो लिखा है, अब दोनों में बवाल होने लगा, सही क्या है गलत क्या है, यहाँ कोई चीज़ है ही नहीं एक्ट में, तो आखिर वो डिस्प्यूट कहाँ पहुँचेगा? कोर्ट में पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा? वहाँ इसका डिसीजन होगा। क्लियर? सारी चीजें देखेंगे। जो हमारी अथॉरिटी है इनकम टैक्स को गवर्न करने वाली या डायरेक्ट टैक्स को गवर्न करने वाली अथॉरिटी है, उसका नाम है सीबीडीटी। जो हमारी इनकम टैक्स को गवर्न करने वाली अथॉरिटी है उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी। क्या नाम है उसका? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसके अपने राइट्स हैं। जैसे तुम लोगों ने बैंकों के केस में देखा होगा, आरबीआई है ना, इंश्योरेंस कंपनियों के केस में देखा होगा, आईआरडीए है ना, उसी तरह इनकम टैक्स की जो अथॉरिटी है, डायरेक्ट टैक्स की जो अथॉरिटी है, वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और जो इनडायरेक्ट टैक्स की अथॉरिटी है उसको हम कहते हैं सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। जो हमारी इनडायरेक्ट टैक्स की जो अथॉरिटी है उसको हम कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। हटा सकते हैं? बोलो भाई। इसके बारे में मैंने दो दो लाइनें आप लोगों को दी हैं, देखते हैं क्या है वो दो लाइनें। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, फाइनेंस एक्ट, इसको अभी मुझे थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा बहुत अच्छी तरह से, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस एक्सेट्रा, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स वो इशू करती है, लीगल डिसीजंस ऑफ द कोर्ट। क्लियर है? पक्का? जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है वो सेक्शंस में डिवाइडेड है। किस में डिवाइडेड है? जब हम बोलेंगे सेक्शन 1, सेक्शन 5, सेक्शन 32, सेक्शन 37, सेक्शन 44A, ये हमारा डिवाइडेड है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में। जब तुम लोग छोटे थे तो स्टोरीज पढ़ते थे,
एक राजा थी, एक रानी थी, उनके बच्चे थे, ये था वो था, लड़ाई हुई, फलाना हुआ, ढिमाका हुआ, लास्ट में ये रिजल्ट है, पढ़ते थे। लेकिन वो स्टोरी एक या दो पेजेस की होती थी, दिमाग में सेट भी हो जाती थी। आज भी तुम लोगों से पूछे बचपन में कौन कौन सी कहानियां पढ़ी, तुम लोगों ने तुरंत बता देना है, 8-10 कहानियां तो तुरंत बता दोगे स्टोरीज। लेकिन ये छोटी मोटी स्टोरी नहीं है, 4-5 हज़ार पन्ने की स्टोरी है। कितने पेजेस की? अब उतने पेजेस की स्टोरी अगर मैं कहूँ पढ़ते जाओ बेटा पढ़ते जाओ, और उसके बाद हमको जरा डिस्क्राइब कर दो, और उसके बाद मैंने पूछा तुमसे कि अच्छा ये चीज़ कहाँ लिखी थी, अब लगे तुम एक एक पन्ना पलटते, तुम्हें खुद ही नहीं मालूम कि ये चीज़ कहाँ लिखी थी। हर आदमी के दिमाग की क्या होती है, लिमिटेशंस होती। तो इनको हम लोगों ने सेक्शंस, नाम ही है सेक्शंस, पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, हर चीज को पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हमारे लिए मेमोराइज करना बड़ा आसान हो गया, क्लियर है? तो हर एक सेक्शन में पर्टिकुलर एक प्रोविजन को डिस्क्राइब किया गया है। सेक्शन पढ़ेंगे, पूरा नहीं हो पाया वो, हो सकता है उसके सब सेक्शंस में पूरा हो जाए। सब सेक्शंस पढ़ेंगे, हो सकता है पूरा ना हो पाए तो पैराग्राफ में पढ़ेंगे, पैराग्राफ में पूरा नहीं हो पाया तो सब पैराग्राफ, सब पैराग्राफ में पूरा नहीं हो पाया तो क्लॉज, क्लॉज में पूरा ना हो पाए तो सब क्लॉज। सेक्शन मान लेते हैं 32, दो मिनट के लिए इसको कहेंगे सब सेक्शन, इसको कहेंगे पैराग्राफ, क्लॉज, सब क्लॉज, सारी चीजें इस तरह से आती चली जाएंगी। और हम लोग को इतना डिटेल में या डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। सर इतनी चीजें पढ़नी है क्या? हम लोगों को, अगर मैं बात करूं हम लोगों को, मतलब तुम लोगों को, बेसिकली सेक्शन और ज्यादा से ज्यादा सब सेक्शंस तक अपने आप को रेस्ट्रिक्ट रखना है, उसके ऊपर नहीं जाना। सर सुनने में तो यह भी आता है कि अगर सेक्शंस एग्जाम में लिखेंगे तो मार्क्स बढ़ जाएंगे, या अगर एग्जाम में सेक्शंस कोट कर ले तो मार्क्स क्या होंगे? दिमाग से ये बात निकाल लो, जो बच्चा सेक्शन कोट करके आता है उसके मार्क्स क्या होते हैं? ऐसा तो मैंने नहीं कहा कम हो जाते हैं, ये तुमने मेरे हाथ के इशारे से समझ लिया कम हो जाते हैं। मान लेते हैं एग्जाम में 5 क्वेश्चन आए और हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, कितने मार्क्स का? ऐसी तो खुशकिस्मती है नहीं फिलहाल। ये बच्चा है पूरा सेक्शन लिख करके आया है, जो बच्चा साल भर सेक्शन पर ध्यान देगा तो बट ऑब्वियस है उसके कंटेंट उसके कमजोर होंगे। इतना ध्यान इसने सेक्शंस पर लगाया, उतना ही ध्यान तूने अगर कंटेंट पर दिया होता तो ज्यादा फायदा मिलता। फिलहाल इसने सेक्शंस लिखे लेकिन कंटेंट कहीं कमजोर रह गए। सेक्शन लिखा लेकिन हो सकता है सेक्शन गलत कोट कर दिया, कितने मार्क्स मिल जाएंगे? कितने मार्क्स मिल जाएंगे अगर सेक्शन गलत कोट कर दिया तो? वहीं दूसरा बच्चा जिसने सेक्शंस कोट ही नहीं किए, उसका कंटेंट स्ट्रांग होगा क्योंकि उसने अपनी कहानी पर, स्टोरीज पर ज्यादा ध्यान दिया और कंटेंट स्ट्रांग है। एक एक नंबर तो बेटा तूने ले लिया, मान लेते हैं इसके एक एक नंबर कट गए बस ना, और कंटेंट तुम्हारे जैसा ही लिखा लेकिन स्ट्रांग होंगे इनके कंटेंट, इसके पास होने के लाले पड़ गए और ये आसानी से निकल जाएगा। ये फर्क है दोनों। मैं ये नहीं कहता कि एग्जाम में तुम लोग सेक्शंस ना नोट करना या कोट ना करना, वो देखा जाएगा धीरे धीरे, मैं बताऊंगा। जैसे जैसे तुम लोग पढ़ते जाओगे सेक्शंस अपने आप दिमाग में सेट होते जाएंगे और कुछ दिन बाद बाढ़ आ जाएगी सेक्शंस की, नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं आज हम लोग सेक्शन 1 से, स्टोरी पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल शुरुआती दौर से पढ़ेंगे। जैसे एक बच्चा पैदा होता है कि नहीं, उसके बाद उसका नामकरण होता है, उसके बाद वो बड़ा होता है, कल ही नामकरण हुआ तो ये बात मैं आज से नहीं बोलता हूँ, कई साल पहले से भी बोल रहा हूँ कि ये नहीं कि कल की घटना है तो मैंने कल की बात बोली, ना ऐसा नहीं है, बोलने तो जोशी नहीं रखा है, चंद्र प्रकाश नहीं रखा है सोच रहे चंदू रख दूं शक्ति कपूर का नाम था ना चंदू किसी मूवी में
था ना, नंदू था, चंदू नहीं था। अच्छा अच्छा सुनो, आपस का इंट्रोडक्शन घर पे करना। हम लोग यहाँ इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन लेने के लिए बैठे हैं। तो नामकरण पहले होता है किसी भी चीज़ का, जैसे बच्चा पैदा होता है उसका नामकरण होता है, उसके बाद बड़ा होता है स्कूल जाता है पढ़ाई करता है और बड़ा होता है नौकरी खोजता है, उसके बाद शादी होती है बच्चे होते हैं बूढ़ा होता है मर जाता है, ये पूरे उसकी लाइफ स्टाइल है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड वन। वही चीज़ इसके साथ भी है, कोई भी एक्ट बनता है बिल्कुल स्टार्टिंग से बनेगा, बिल्कुल कहानी बिल्कुल कैसे चलती है, एक राजा था एक रानी थी बिल्कुल वैसे ही चलती है कहानी बिल्कुल प्यार से। वही चीज़ यहाँ पर भी लानी है, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे कोई भी एक्ट हो, पहले आपको अपने बारे में बताएगा, देख मैं हूँ। किसी पिक्चर में जाते हो डायरेक्ट थ्रिल या डायरेक्ट आपका वो क्लाइमैक्स नहीं स्टार्ट होता, पहले आपको कहानी बताई जाती है बैकग्राउंड से। वही चीज़ यहाँ पर भी है। पहला सेक्शन इसका होगा इसका नामकरण, इसका नाम बताएगा, क्या बताएगा इसका नाम बताएगा, सेक्शन वन। एक चीज़ जो हमसे छूट गई मैं उसको पहले बता दूं, तुम लोग जो स्टडी करने जा रहे हो दैट इज योर फाइनेंस एक्ट 2014, बुक देना। अब चूंकि अभी फाइनेंस एक्ट 2014 की बुक आई है कि नहीं आई है, नहीं आई है, ये आपकी पुरानी बुक है, ये आपके मई और नवंबर 2015 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहां देखिए लिखा हुआ है फाइनेंस एक्ट 2013, देखो ना क्या लिखा हुआ है, फाइनेंस एक्ट 2013 ये एप्लीकेबल था असेसमेंट ईयर 14-15 के लिए, लेकिन हम लोग को जो स्टडी करनी है दैट इज फाइनेंस एक्ट 2014 जो एप्लीकेबल होगा असेसमेंट ईयर 2015-16 के लिए। सर बात समझ में नहीं आई, ये असेसमेंट ईयर क्या है, ये फाइनेंस एक्ट क्या है, ये फाइनेंस एक्ट का रोल नहीं समझ में आया। असेसमेंट ईयर तो चलो थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा ही, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन, असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन वो तो चलेगी, ये फाइनेंस एक्ट क्या है और ये कैसे पता चला। सेक्शन वन जो बोलता है उसका फर्स्ट पार्ट बोलता है, मैं हूं, व्हाट्स योर गुड नेम, माय नेम इज मयंक कुमार तिवारी, ये भी बोलता है कि दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा नाम तुमसे पूछ कर रखा था, लेकिन यहां पर इससे पूछ कर रखा था कि बेटा तेरा नाम क्या है बता, तो बच्चे ने कहा मेरा नाम इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, अच्छा अच्छा ठीक है रख देते हैं, रख दिया। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमसे पूछ कर रखा था, नहीं रखा था वही, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, इसने बोला मेरा नाम दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल, मैं कब पैदा हुआ मेरी बात नहीं इसकी, एप्लीकेबल फ्रॉम 1st April 1962, एप्लीकेबल फ्रॉम 1st April 1962। कितनी अजीब बात है, एक तो फाइनेंस एक्ट ने आकर के टेस्ट बिगाड़ा, ऊपर से ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 है एप्लीकेबल हो रहा है 62 से, कितना अजीब। क्या मैं जम्मू कश्मीर पर एप्लीकेबल होऊंगा, क्या मैं एप्लीकेबल होऊंगा जम्मू कश्मीर पर, एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, अब फिर एक प्रॉब्लम आई कि सर ये कौन सी बात है कि जम्मू एंड कश्मीर पर है तो हमारे हिंदुस्तान का ही हिस्सा, उस पर एप्लीकेबल होने के लिए हम लोग को बोलना पड़ रहा है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, क्या रीजन है। तीन चीजें हमें जाननी है अब इस सेक्शन में, पहला ये 1661 क्यों है, 1961 ये एप्लीकेबल 1962 से ही क्यों हुआ है, और ये फाइनेंस एक्ट 2014 का लोचा क्या है,
और ये जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूडिंग स्पेशली लिखा क्यों है? क्यों जानना जरूरी है? नहीं, ये छोड़ दें, नहीं छोड़ देते, छोड़ दें, नहीं। सरकार ने कहा कि बेटा जितना कमाओगे ना हम उतना पर टैक्स ले लेंगे। हम रात को थके हारे काम करके घर लौटे, देखा मेरे दरवाजे पर एक बंदा खड़ा है आराम से ऐसे करके। मैंने कहा भाई क्यों खड़े हो यहाँ पर? करे कितना कमाया तूने? मैंने कहा तुमसे क्या मतलब कितना कमाया? करे मैं सरकारी आदमी हूँ, इनकम टैक्स वसूलता हूँ। क्या वसूलता हूँ? दिन भर जितना कमाए हो जरा रिपोर्टिंग करो, उतना टैक्स दे दो, तुम घर के अंदर जाओ। क्या ऐसा हिसाब किताब होता है? अगर ऐसा हिसाब किताब होगा तो अगले दिन से हम चाकू लेकर के जाएंगे। ये बोलेगा गुप मांग बेटा, इतना डिस्टर्ब होकर दिन भर में आ रहे हैं और उसके ऊपर तू हमसे वसूली कर रहा है? गवर्नमेंट ने तुमको वसूली की तरह रखा है क्या? कितना गंदा हिसाब किताब हो जाएगा। डेली डेली कोई हमसे इनकम टैक्स वसूले, थके आ रहे पहुंच रहे हैं घर पे आराम करने के लिए, कर रहा है हिसाब किताब दो दिन भर का। क्यों गलत है? नहीं, डेली डेली वाला हिसाब किताब नहीं चलेगा। कब कब का चलेगा? मंथली मंथली का। कब चलेगा? नहीं चलेगा। मंथली वाला भी हिसाब किताब नहीं चलेगा। आप कमाते जाओ कमाते जाओ, खाए जाओ खाए जाओ, किसके गुण गाए जाओ? यूनाइटेड के गुण गाए जाओ, है कि नहीं? एक ऐड आती थी, यहां पर भी वही है, कमाते जाओ कमाते जाओ। साल भर आपको कोई पूछने नहीं आएगा। साल भर मतलब कौन सा, कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर? कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर? इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर पर एप्लीकेबल होता है, इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर पर चलता है, इसीलिए इसका नाम फाइनेंस एक्ट भी रखा गया। अभी बताता हूं मैं, नहीं तो कैलेंडर एक्ट रखा जाता, ठीक है ना? इसका नाम क्या है? फाइनेंस एक्ट, जो फाइनेंशियल ईयर पर एप्लीकेबल होता है। किस पर एप्लीकेबल होता है? फाइनेंशियल ईयर पर। फाइनेंशियल कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। आप 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जितना कमाओ जितना कमाओ जितना कमाओ, गवर्नमेंट पूछने नहीं आएगी आपको, गवर्नमेंट पूछने नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही 31 मार्च खत्म हुआ, आपने 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 तक जितना कमाना है ना कमा लो। लेकिन बेटा जैसे ही 31 मार्च खत्म होगा, अब टैक्स देने का वक्त आ गया है, अब टैक्स देने का वक्त आ गया है, इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का वक्त आ गया है। कब? इस डेट के बाद। कब तक? पूरे 1 साल तक। इस 1 साल में आप कमाओ और इस 1 साल का टैक्स यहां पर दो। आपको कोई पूछने नहीं आएगा यहां पर, लेकिन यहां पर आप टैक्स दे दो। इसको हम लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर। क्या नाम देते हैं? और इसको हम नाम देते हैं असेसमेंट ईयर। अब जब इस साल कमाया, इस साल हमने टैक्स दिया, तो इस साल तो कुछ कमा नहीं पाएंगे? बिल्कुल कमाएंगे, कमाते रहो, कौन मना कर रहा है? बोलो, इस साल जो कमाएंगे उसको हम नाम देंगे प्रीवियस ईयर की इनकम, और इस पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। ये हो जाएगा असेसमेंट ईयर, इस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर। ये असेसमेंट ईयर इस प्रीवियस ईयर का है। इस साल भी कमाओ, कोई मना नहीं कर रहा, इस साल भी कमाओ, कमाते जाओ कमाते जाओ कमाते जाओ, लेकिन इस साल जो तुमने कमाया है उसका टैक्स तुम्हें देना है 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक। इसको हम नाम देंगे प्रीवियस ईयर, और इसके लिए इसको कहा जाएगा असेसमेंट ईयर। ये सीक्वेंस और चेन चलती रहती है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, वही असेसमेंट ईयर फिर प्रीवियस ईयर बन जाता है, फिर उसका असेसमेंट ईयर, फिर असेसमेंट ईयर जो था वो प्रीवियस ईयर जिसके लिए हमने कमाया, प्रीवियस असेसमेंट चलता रहता है। लेकिन जो भी है तो देखो ना, फाइनेंस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, किसके हिसाब से? फाइनेंशियल ईयर। क्लियर? गवर्नमेंट ने जब फर्स्ट टाइम इसको बनाया था, तुम लोग खुद बताओ, मैं नहीं कुछ बताने जा रहा, कौन सा एक्ट है, कब अप्लाई हुआ होगा,
1 अप्रैल 1961 कब तक चला होगा? हाँ या ना? और ये होगा प्रीवियस ईयर। गवर्नमेंट इंतजार कर रही है बेचारी, इनकम टैक्स बना लिया और लागू भी कर दिया, लेकिन पूरा एक साल बीत गया, किसी भी बंदे ने टैक्स नहीं दिया। रूल कब के लिए बना था, एक्ट कब के लिए बना था? 61-62 के लिए। फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट के हाथ में टैक्स किस समय गया होगा? 1 अप्रैल 1960। ओहो, यही वो दिन है जिस दिन का था इंतजार। एक्ट तो बना 1961 का, लेकिन गवर्नमेंट को पहली बार इसका फायदा मिला 1 अप्रैल 1962। हाँ या ना? बोलो, क्लियर है? इसका मतलब ये होगा फाइनेंस एक्ट 1961। आज जो चल रहा है, आज जो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, वो बताया फाइनेंस एक्ट 2014 तुम लोग को पढ़ना है। यही तो मैंने बोला। और फाइनेंस एक्ट 2014 पढ़ना है, जिसका ईयर कब से स्टार्ट हुआ होगा? 14, 15 और असेसमेंट ईयर है 15, 16, और इसका फाइनेंस एक्ट है 2000। सारी चीजें तो क्लियर हो गई साफ साफ। इसका मतलब अगर फाइनेंस एक्ट 2013 हो तो प्रीवियस ईयर 13-14 होगा और असेसमेंट ईयर 14-15 होगा। और ये चीज़ तुम लोग की इस पुरानी किताब पे साफ साफ लिखा है। देखो ना, फाइनेंस एक्ट 2013 लिखा है और असेसमेंट ईयर लिखा है 14-15। लिखा है नहीं लिखा है? पक्की बात, आगे चल सकते हैं। बोलो, हटा दें इसको। अगर मैंने ढंग से देखना, अगर मैंने किसी क्वेश्चन में लिख दिया ईयर 13-14, तो इसका मतलब क्या, प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर? मैंने लिखा ईयर 13-14, मैंने कहीं मेंशन नहीं किया प्रीवियस या असेसमेंट। ना तो मैंने प्रीवियस ईयर लिखा, ना तो मैंने असेसमेंट ईयर लिखा। क्या माना जाएगा इसको, असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर? पक्की बात है ये प्रीवियस ईयर नहीं माना जाएगा। हम जान रहे थे गलत जवाब दोगे, ये प्रीवियस ईयर नहीं माना जाएगा। जरा ढंग से देखो ना, फिर से एम्फेसाइज किस वर्ड पर किया गया है, प्रीवियस ईयर लिखा है या असेसमेंट ईयर लिखा है? क्या लिखा है, क्यों लिखा है? यहां लिख सकता था ना प्रीवियस ईयर 13-14, नहीं लिख सकता था? नहीं लिखा। प्रीवियस ईयर एक साल से कम का हो सकता है, लेकिन असेसमेंट ईयर कभी भी एक साल से कम का नहीं हो सकता। देखा जाएगा, आगे आएंगे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन में देखेंगे उस चीज को। तो जब भी मैं केवल ईयर लिखूं तो इट मींस इट डिनोट्स असेसमेंट ईयर, इट डिनोट्स असेसमेंट ईयर, नॉट द प्रीवियस ईयर। अगर मैंने लिख दिया ईयर 13-14 तो गलती मत कर देना कि सर ये तो प्रीवियस ईयर 13-14 है ना। जब तक क्वेश्चन में कहीं हिंट न दिया हो तब तक हम उसको प्रीवियस ईयर नहीं मान सकते। क्लियर है? हटा दें। तो हमें नहीं लगता कि इन दोनों में अब कोई दिक्कत होगी। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, एप्लीकेबल है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 एंड इट अप्लाइज थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। क्यों भाई, जम्मू एंड कश्मीर का ऐसा कौन सा रोल प्ले हो गया कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग से रूल आया? हुआ ये था, जब देश आज़ाद हो रहा था हम लोग का 1947 में, तो हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग सरकारें थीं,
छोटे छोटे रियासतें बनी हुई थी, किसी ने एक एरिया पर कब्जा किया हुआ था वहां का राजा कहलाता था, महाराजा कहलाता था, नवाब कहलाता था, है कि नहीं? सल्तनत होती थी लोगों की, होती थी या नहीं? और सबने मिलकर के लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को हटाया। उसके बाद शुरू हुई कवायद पूरे हिंदुस्तान को एक करने की, सबको मिलाने की, एक सरकार लाने की, लोकतंत्र लाने की। सारे जो छोटी छोटी सल्तनत थी उनको मिलाया गया, मिलाया गया, सबने मिला करके एक हिंदुस्तान बनाया। जब जम्मू एंड कश्मीर के पास गए, उस समय राजा हरि सिंह या वीर सिंह कौन थे? अच्छा मालूम, राजा हरि सिंह थे वहाँ के नवाब राजा। उनसे कहा जा तू भी आ जा, आ जा हिंदुस्तान में मिल जा। उस राजा ने कहा कि मैं नहीं आने वाला, हमें अपने लोगों की बहुत चिंता है। उसने क्या कहा? मुझे अपने नागरिकों की बहुत चिंता है, ये स्वर्ग है। क्या है? स्वर्ग है। अगर हम इसको हिंदुस्तान के साथ मर्ज कर देते हैं तो ये नरक बन जाएगा। लोग आ आ करके इसमें बसना स्टार्ट कर देंगे, घर बनाने लगेंगे, पॉल्यूट करने लगेंगे, फैक्ट्री लगाने लगेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। फिलहाल उसका भी दूसरा तरीका था, एक और पॉलिटिकल अप्रोच था। उसने कहा हम ऐसे नहीं मिलने देंगे। उसने बिल्कुल किनारा कर लिया। फिर अचानक उसने उस पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया तो दौड़ा दौड़ा हिंदुस्तान के पास आया। उसने कहा भैया हमारी रक्षा करो, तो हिंदुस्तान गया, उसका सपोर्ट किया, तो पीओके आधा उधर चला गया, इधर आ गया। सब दूसरा हिसाब किताब है। उस दिन के बाद से जम्मू कश्मीर आ तो गया, लेकिन उसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ। क्या हुआ? एग्रीमेंट हुआ। राजा हरि सिंह के साथ क्या हुआ? एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट ये हुआ कि देख, तेरे देश के लोग, मतलब जो हिंदुस्तान के हैं, वो वहीं रहेंगे, वो यहाँ आकर के ज़मीन नहीं खरीदेंगे। हम हिंदुस्तान के साथ मर्ज तो हो रहे हैं, लेकिन संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए एक अलग सेक्शन बनाओ। आप कोई भी टैक्सेशन सिस्टम हमारे नागरिकों पर तब तक अप्लाई नहीं करेंगे जब तक हमारी स्टेट गवर्नमेंट हाँ ना बोल दे। पहली चीज़, हमारे नागरिकों पर आप गलत तरीके से अत्याचार नहीं होने देंगे। टैक्स लगा दो, टैक्स लगा दो ना। आप यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ की गवर्नमेंट से आप पूछेंगे, अगर वो गवर्नमेंट आपकी गवर्नमेंट से एग्री होती है तो बना देना, टैक्स लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके लोग, मतलब हिंदुस्तान, रेस्ट ऑफ इंडिया के लोग यहाँ आकर ज़मीन नहीं खरीदेंगे। यहाँ के लोग वहाँ जाकर ज़मीन खरीद सकते हैं। अगर तुम चाह लो कि जम्मू एंड कश्मीर में ज़मीन खरीद ले तो क्या पॉसिबल है? नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो कुछ इस तरह का एग्रीमेंट हुआ, जिसके कारण अब हर एक टैक्सेशन सिस्टम में हम लोग को बताना पड़ता है, हर एक एक्ट को बनाने के बाद बताना पड़ता है, ये जम्मू एंड कश्मीर पर लागू होगा या नहीं लागू होगा, बताना पड़ेगा उस सेक्शन के कारण। क्लियर है? तीनों चीज़ें क्लियर हुई। अब मैं बोल सकता हूँ कि सेक्शन वन क्लियर है, दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। बोल सकते हो तुम लोग सेक्शन वन में, हमें नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। हाँ बताओ तो बाबू, तीनों पॉइंट बताओ, तुम ही बताओ। हाँ हाँ बताओ। हाँ हम नहीं, अकेले बताना तुम। हाँ भूल गए, आ रहा है दिमाग में लेकिन चढ़ नहीं रहा। हाँ हाँ हाँ, तालियां बजाओ इस बच्चे के लिए, डरते डरते घबराते घबराते बता ही लिया। हाँ बताओ। हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया, आपको पूरे पूरे नंबर काट लिए जाएंगे। बोले ढंग से बताएं, मजाक नहीं कि चल रहा है, एक्ट चल रहा है, थ्योरी नहीं कहानी नहीं कहानी है। हाँ बोलो बाबू, तुम बताओ।
बहुत बढ़िया, बोलो बाबू। मूर्ख दिवस के दिन इसको स्टार्ट किया गया। बोले इक्वली अप्लाइज थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग का नंबर आता है सेक्शन वन खत्म होने के बाद, किस सेक्शन पे? सेक्शन टू। और सेक्शन टू में डेफिनेशंस दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं? सुनो ना, सेक्शन टू में डेफिनेशंस दी हुई है। एक नहीं, दो नहीं, ढेरों डेफिनेशंस पूरे एक्ट में। जहां जहां डेफिनेशन किसी चीज की आएगी वो सेक्शन टू में मिलेगी नॉर्मली। तो हम लोग यहां पर अपने मतलब की चीजों को केवल ढूंढ करके आज पढ़ाई करेंगे। मींस सेक्शन टू में जब भी हम स्टडी करेंगे अपने मतलब की चीज को निकालेंगे। सेक्शन टू में अभी जो हम लोग के काम की चीज है उसको देख लेते हैं, सारी डेफिनेशंस को नहीं देखेंगे। सेक्शन टू सब सेक्शन सेवन एसएससी की डेफिनेशन दी हुई है। सेक्शन टू सब सेक्शन सेवन एसएससी की डेफिनेशन दी है। उसके बाद सेक्शन टू सब सेक्शन एट असेसमेंट, सेक्शन टू सब सेक्शन नाइन असेसमेंट ईयर, सेक्शन टू सब सेक्शन 31 पर्सन, सेक्शन थ्री प्रीवियस ईयर। छोड़ दो, वो तो सेक्शन थ्री आ गया। अभी हम लोग सेक्शन टू में केवल दो डेफिनेशन पढ़ेंगे, केवल दो। सेक्शन टू सब सेक्शन सेवन, सेक्शन टू सब सेक्शन 31, दैट्स इट। ये दो डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। सेक्शन टू सब सेक्शन सेवन किसकी डेफिनेशन है? एसएससी। एवरी पर्सन, अंडरलाइन कर लो पर्सन को, एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन, हैज बीन टेकन विल बी नोन एज एसएससी। कोई भी बंदा जिसके ऊपर इस एक्ट के अंतर्गत कोई कार्यवाही चल रही है, जो एसेसिबल है टैक्स देने के लिए, लायबल है, उसको हम एसएससी बोलेंगे। और इसमें डीम्ड एसएससी भी आएगा। पॉइंट नंबर टू देखें, अभी हम इसको डिटेल में नहीं बता रहे हैं, केवल इतना याद रखो कि जिस बंदे के ऊपर इस इनकम टैक्स के अंतर्गत प्रोसीडिंग्स चलती हैं, कार्यवाहियां होती हैं, आपने इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया, प्रोसीजर हैज बीन स्टार्ट, नाउ यू विल बिकम एसएससी। अब आपको एसएससी के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? एसएससी के नाम से जाना जाएगा। करदाता, ठीक। चलो फिलहाल डीम्ड एसएससी, एसएससी इन डिफॉल्ट छोड़ देते हैं। सेक्शन 231 पर्सन की डेफिनेशन, मैंने अभी भी पर्सन को अंडरलाइन करवाया था, और मैंने शुरू में ही बोल दिया आज जब स्टार्ट किया था कि इनकम टैक्स कभी भी सिटीजनशिप के बेसिस पर नहीं चार्ज किया जाता, किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर चार्ज नहीं किया जाता, ये चार्ज किया जाता है पर्सन के ऊपर। किसके ऊपर? पर्सन। पर्सन कौन कौन होते हैं इसको डिफाइन किया सेक्शन टू सब सेक्शन 31 में। कितने पर्सन होते हैं? There are seven types of person which are defined under section 231. याद रखना हुआ और भी आसान। कितने बताए मैंने? सात ना? कितने बताए? देखो ना, 2 × 3 + 1। अब कहोगे सर ये कौन सी बात हुई? ये तो मालूम है ना, ब्रैकेट के बाहर रहता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है ना? नहीं, 2 × 3 + 1 7। सेक्शन नंबर याद करना हुआ और भी आसान? नहीं, ऐसे ना कर देना सर 4 × 2 = 8, 3 + 1 यानी कि 4 × 2 = 8 ना 7। सात पर्सन होते हैं। कितने पर्सन होते हैं? सात लोगों को पर्सन माना गया है, इंडिविजुअल। तुम
पर्सन हो, पर्सन हो, तुम लोग क्या हो? पर्सन हो। इंडिविजुअल जो भी होंगे वो सारे के सारे पर्सन माने जाएंगे। देखो ना पहला ही लिखा है इंडिविजुअल्स, नेचुरल बॉर्न पर्सन्स, मेल फीमेल मेजर माइनर कोई भी हो वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे? पर्सन। इंडिविजुअल्स जितने भी हैं, मैं क्या हूँ? मैं मैरिड हूँ। यहाँ मैरिटल स्टेटस वाला हिसाब किताब नहीं है, सिंगल है या मैरिड है, ना 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 यहाँ पर वो नहीं है। मेरी वाइफ भी इंडिविजुअल मानी जाएगी, इस पर्पज़ के लिए मैं भी इंडिविजुअल माना जाऊँगा, ठीक है ना। चलें आगे, सेकंड, इंडिविजुअल के बाद आता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें जैनीज फैमिलीज भी शामिल हैं, इसमें सिख फैमिलीज भी शामिल हैं, इसमें क्रिश्चियंस और मुस्लिम फैमिली शामिल नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, नाम से ही मालूम होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार, क्लियर है? HUF। तो पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाने के लिए किसी एक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, इसका क्रिएशन ऑटोमेटिक होता है। इसका क्रिएशन कैसे होता है? यानी HUF का क्रिएशन किसी लॉ द्वारा नहीं होता, HUF का क्रिएशन ऑटोमेटिक होता है। इसको भी एक पर्सन माना गया है। चार भाई अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी पर कमाते हैं और खाते हैं, ऐश करते हैं। इनकम कमा रहे हैं या नहीं? किसकी प्रॉपर्टी पर? अपने फोर फादर्स की प्रॉपर्टी पर। बात समझना, क्या माना जाएगा ये प्रॉपर्टी किसके हाथ में टैक्सेबल करें? पहले भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई, चौथे भाई, चारों में HUF के तौर पर। वो लोग फाइल करेंगे रिटर्न किस नाम से? HUF के नाम से। देखा जाएगा डिटेल में, आगे पूरा एक चैप्टर है HUF। तो पहला पर्सन है इंडिविजुअल, जो जो कमाएगा वो टैक्स देगा, जो जो कमाएगा वो टैक्स देगा, इंडिविजुअल। HUF, फर्म, मैंने कहा न तो मैं इंडिविजुअल हूँ न तो मैं HUF में जाऊँगा, क्योंकि मेरी सारी कमाई पार्टनरशिप में होती है। लगा लो बेटा टैक्स, गवर्नमेंट को मैंने क्या कहा? इंडिविजुअल के नाम पर मेरी कमाई जीरो, HUF है नहीं, हमने तो इसके साथ पार्टनरशिप की है, लगा लो टैक्स। तो गवर्नमेंट ने काम तो लाएंगे, पर्सन की डेफिनेशन में फर्म को लिखेंगे, पर्सन की डेफिनेशन में पार्टनरशिप फर्म को लिखेंगे, आ जाओ बेटा तुम भी, टैक्स दो, जो कमाओगे टैक्स तो देना पड़ेगा, जो कमाओगे टैक्स तो देना पड़ेगा। तो बेटा पार्टनरशिप फर्म को भी शामिल कर लिया गया, जिसमें LLP भी शामिल है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो पार्टनरशिप फर्म भी शामिल है, AOP BOI भी शामिल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वो भी शामिल है हमारे पर्सन की डेफिनेशन में। गवर्नमेंट ने किसी को छोड़ा नहीं है, जितने भी तरीके से आप कमा सकते हो अलग अलग तरीके यूज करके, उन सारे तरीकों को पर्सन की डेफिनेशन में डाल दिया। इंडिविजुअल कमा सकता था, डाल दिया पर्सन की डेफिनेशन में। HUF के तौर पर कमा सकता था, डाल दिया पर्सन की डेफिनेशन में। फर्म के तौर पर कमा सकता था, डाल दिया पर्सन की डेफिनेशन में। AOP BOI बना दिया। तो मैंने गवर्नमेंट को देख, तूने कहा पार्टनरशिप फर्म, पर्सन कौन है? पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को तुमने तो डाला ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है? तो मैंने उसको बोला देख, पार्टनरशिप वो होती है जिसके बीच में एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप फर्म वो होती है जिसकी पार्टनरशिप डीड होता है, पार्टनरशिप फर्म वो होती है जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन होता है डीड में। लेकिन हम लोगों ने तो कोई डीड बनाई ही नहीं, हम लोगों ने तो कोई डीड बनाई नहीं। इनकम टैक्स कहता है पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप फर्म तभी माना जाएगा जब उनके बीच में डीड हो, डीड हो और उस डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन हो, तब तो पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप मानेंगे। तो मैंने गवर्नमेंट को दांत दिखाया और मैंने कहा देख, हमने उसके साथ पार्टनरशिप फर्म तो पार्टनरशिप तो बनाई है, लेकिन उसके लिए कोई डीड नहीं बनाई, बना लो पार्टनरशिप फर्म पर टैक्स लगा दो। तो गवर्नमेंट ने कहा देख, हम भी चालाक हैं, हम सेक्शन 231 में ले आते हैं AOP और BOI, तुम किसी भी तरह से काम करो, हम तो तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाएंगे ही लगाएंगे। AOP BOI क्या होता है बाद में बताएंगे, आगे आते हैं। AOP का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI का मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स।
हमने फिर चालाकी की, मैंने कंपनी बना दी। तो गवर्नमेंट का बेटा कंपनी भी सेपरेट एंटिटी होता है, लाओ उसको किस में, पर्सन की डेफिनेशन में। तो इंडिविजुअल हो गया, HUF हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गई, AOPBOI हो गया और कंपनी हो गई। सरकार ने इंसान तो इंसान, भगवान को भी नहीं छोड़ा टैक्स देने में। कौन टैक्स देता है? भगवान। देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गई, इंसान कितना बदल गया भगवान। अच्छा उल्टा बोल दिया मैंने। देख तेरे भगवान, इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान है। इंसान को भी नहीं छोड़ा, भगवान को भी नहीं छोड़ा। ये सातवीं कैटेगरी है, लास्ट कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी है? सेवेंथ। मैंने क्या किया, घर के बाहर एक पीपल का पेड़ लगाया और छोटी सी एक भगवान जी की मूर्ति लाकर रख दी और बड़ा सा दान पात्र रख दिया। मैंने कहा जिस जिस श्रद्धालु को दान पात्र में चंदा डालना है दे, भगवान के नाम पर दे। किसके नाम पर दे? भगवान के नाम पर। अगले दिन तिजोरी खोली, दान पात्र खोला तो नोट बरस पड़े उसमें से। हुआ क्या था, दिन में डाला, रात को अपनी ब्लैक मनी मैंने उसी में डाल दी, जो अपनी ब्लैक मनी थी सारी उसमें डाल दी। सुबह बोला अरे ये क्या, दानियों ने खूब दान दिया है और सब गुप्त दान दिया है, रात को अंधेरे में सब पैसा डाल करके गए थे, अब खोजो बैठ करके। और भगवान के ऊपर टैक्स लगेगा क्या? लगाना है लगाओ, जाओ तुम भी ऊपर जाओ, मांग करके आओ, शायद मिल जाए। तो सरकार ने कहा बेटा कुछ भी कर लो, भगवान के नाम पे भी इकट्ठा कर लो, उस पर भी हम टैक्स लगाएंगे। तो जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर जो भी होते हैं उन पर भी टैक्स लगता है, आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पर लगता है। सेवेंथ कैटेगरी है, इधर देखें, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, AOP, BOI, कंपनी, हाँ, आर्टिफिशियल, जुडिशियल पर्सन, जिसमें देवी देवता भी आ जाते हैं, जिनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। ये जुडिशियल पर्सन क्या है, पहली चीज, और दूसरा ये सिक्स्थ मैंने क्या छोड़ दिया, लोकल अथॉरिटी। तो इंडिविजुअल, HUF, फर्म, AOPBOI, लोकल अथॉरिटी, कंपनी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। कंपनी चाहे इंडियन कंपनी हो चाहे फॉरेन कंपनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो। लोकल अथॉरिटी जो तुम लोग देखते हो, UPSRDC, यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन वाला है ना, जो कॉरपोरेशन है, GDA गवर्नमेंट ऑफिस है, DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या है ये? लोकल अथॉरिटीज हैं ये। ये लोग कमाते हैं क्या? ये लोग कमाते हैं, हाँ ये लोग तो कमाते हैं। रोड टैक्स लेते हैं, वाटर टैक्स लेते हैं, हाउस टैक्स लेते हैं, होर्डिंग का टैक्स लेते हैं, एडवर्टीजमेंट का टैक्स लेते हैं, ढेर सारे टैक्सेस लेते हैं। क्या उनके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए? सरकारी है तो छोड़ दो ना, सरकार सरकार के ऊपर भी टैक्स लगाती है अगर वो कमाती है तो। तो लोकल अथॉरिटीज आर ऑल्सो चार्जेबल टू टैक्स, वो भी पर्सन की डेफिनेशन में। इंडिविजुअल, HUF, फर्म, AOPBOI, लोकल अथॉरिटी, कंपनी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन तो समझ में आया, देवी देवताओं के हिसाब से हमने कमाया। ये जुडिशियल पर्सन क्या है? देखें इधर, एक कंपनी है जिसका अब हो गया है लिक्विडेशन। क्या हो गया? अब इसमें अपॉइंट हो गया लिक्विडेटर। लिक्विडेशन का मतलब समापन, कंपनी खत्म हो रही है, तो अब लिक्विडेशन में कौन अपॉइंट हो जाएगा? लिक्विडेटर। कंपनी है, जब तक वो कंपनी थी तब तक यहाँ टैक्स लग रहा था, अब कंपनी कंपनी ना रही क्योंकि उसका क्या हो गया? लिक्विडेशन।
और कंपनी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज पर हक किसका हो गया? लिक्विडेटर का हो गया। अब उन एसेट्स को बेचने की जिम्मेदारी किसकी है? लिक्विडेटर की है। अब लाइबिलिटीज को डिस्पोज ऑफ करने की जिम्मेदारी किसकी है? लिक्विडेटर की है। तो अब कमाएगा कौन? कंपनी या लिक्विडेटर? लिक्विडेटर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो टैक्स किस पर लगना चाहिए, कंपनी पर या लिक्विडेटर पर? लिक्विडेटर पर, क्योंकि ये सरकार की ओर से काम कर रहा है, कोर्ट के बिहाफ पर काम कर रहा है। किसके बिहाफ पर काम कर रहा है? कोर्ट के बिहाफ पर काम कर रहा है, इसलिए इसको जुडिशियल पर्सन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? पक्की बात है? तो इंडिविजुअल, एचयूएफ फर्म, एओपीबीओआई कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, दे आर 7 टाइप्स ऑफ पर्सन। सेक्शन 231, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 एसएससी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, बोलो persons। दो मिनट देते हैं, दोनों सेक्शंस आप लोग हमें बताएंगे लाइन लाइन से। पढ़े और आज के लिए बस इतना ही, चाय और काफी है। थैंक यू बच्चों।